फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, सबसे पहले इसे किसने खोजा? ब्रिटिश पर्वतारोही थे दो, फ्रैंक एस स्मिथ। सर्वप्रथम उनके द्वारा वैली ऑफ फ्लावर की खोज की गई। तो फ्रेंड्स, सामने वैली ऑफ फ्लावर, और वैली ऑफ फ्लावर पहुंचने के लिए आपको शुरू में तो खड़ी चढ़ाई, फिर हल्का तिरछा रास्ता, और ही पूरा तिरछा रास्ता पहाड़ के पगडंडी पे बना है रास्ता, पूरा तिरछा तिरछा आपको जो लेके जाएगा सामने वैली ऑफ फ्लावर। तो वही जो सामने आप देख रहे हैं वह है वैली ऑफ फ्लावर। 3 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, मात्र 1 किलोमीटर का सफर बचा है। तो आइए चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर की ओर। हमारे ठीक सामने है वैली ऑफ फ्लावर। जैसे स्टार्ट होता है वैली ऑफ फ्लावर, यहाँ से फूल लगने शुरू हो जाते हैं, देख रहे होंगे मेरे बगल में। तो आइए आपको भी ले चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर की ओर। पहाड़ की इन पगडंडी से होके जाता है पूरा रास्ता, और फूल देखिए कैसे हो रखे हैं, काफी घने पेड़ हो रखे हैं फूलों के, काफी हरा भरा हो रखा पूरा फॉरेस्ट। जिस पॉइंट पर अभी हम पहुंच चुके हैं यह है ब्लू पॉपी पॉइंट। दलीप भाई जी, कैसा लग रहा है फिर यहाँ आके? तो पीछे तो आप देख रहे हैं यह है टिवरा ग्लेशियर, और यह है बढ़िया सा पॉइंट वैली ऑफ फ्लावर, वहां जाना है हमें आगे। दलीप भाई, हाँ। मैं कुछ कुछ फूलों के नाम पढ़ के आया हूँ। तो ये जो फूल है यह बहु मंजिला पुष्प है। मंजिल है इसमें 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, 7 मंजिला और फ्लोर, तो मंजिल जैसी बनी है। तो कुछ कुछ फूलों के नाम पढ़ के आए, मुझे देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है? ये किसी किलमौड़। तो फ्रेंड्स, वैली ऑफ फ्लावर पहुंचने से पहले आपको 2 पुल क्रॉस करना है, एक पीछे था और एक यह है बामन धड़ का पुल। इस पुल में आपको 1 में 1 चलना है, एक बारी में 1 पर्सन पर ही जाना है, क्योंकि ये कच्चा पुल है और पानी का जल स्तर भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है जल स्तर। तो सिंगल वे है ये पुल बामन धड़। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वैली ऑफ फ्लावर के मिड में आ चुके हैं, और यहाँ पे भी एक पुल है जो सिग्नल रिवर होती है उसे पार करने के लिए, जिसे हम लोग गधेरा कहते हैं, गधेरा। तो इसमें भी काफ़ी ठीक ठाक पानी है, और यहाँ पे भी कच्चा पुल है, एक बारी में 1 पर्सन के जाने लायक। तो आराम से चलते हैं इसमें। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के मिड में, तो थोड़ा और डीप जाएंगे एंड पॉइंट तक। तो चलते हैं अंदर। तो मैं और दलीप भाई अभी वैली ऑफ फ्लावर के एंड पॉइंट की ओर जा रहे हैं, यानी कि अंतिम छोर की ओर, और बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर की हिस्ट्री की, कि सबसे पहले इसे किसने खोजा। तो उल्लेख मिलता है कि ब्रिटिश पर्वतारोही थे दो, फ्रैंक एस स्मिथ और उनके एक सहयोगी साथी आरएल होल्ड्सवर्थ। सर्वप्रथम उनके द्वारा वैली ऑफ फ्लावर की खोज की गई।
और फ्रैंक एस स्मिथ और आर एल होल्ड्सवर्थ ने इस जगह का पता तब लगाया जब वे लोग अपना कामेट पर्वत का ट्रैक कंप्लीट करके आ रहे थे, तो उन लोगों ने लौटते दौरान वैली ऑफ फ्लावर का पता लगाया और दुनिया को इसके बारे में बताया। तो एस स्मिथ और उनके साथी द्वारा जब 1931 में से खोजा गया और दुनिया को बताया गया, तो फाइनली विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा से 1982 में विश्व धरोहर घोषित कर सुरक्षित स्थान का दर्जा दिया गया है। और वैली ऑफ फ्लावर में आपको इस प्रकार के रास्ते में चलना होगा, दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ और बीच बीच में ये कुछ छोटी छोटी नदियाँ। ये है क्या रास्ता? यहाँ से भी आओ, वहाँ से भी आओ, रास्ता सेम ही दिख रहा। तो यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है झाड़ी के अंदर से, कहीं कहीं पे रास्ते टूट गए हैं जो सीजनल रिवर होती हैं, यानी मानसूनी नाले, उनकी वजह से रास्ते टूट गए हैं कहीं कहीं पे। तो दलीप भाई, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर हिम शिखरों से घिरा हुआ है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनमें कल रात बर्फ गिरी हुई है ना, तो कहानियां हैं कि हिम शिखरों के मध्य भगवान शिव के कुछ गण और देवता निवास करते हैं आज भी। और जो नंदा राजा यात्रा जाती है, हाँ, वो लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। कहानियां हैं, और ये भी कहानी है कि यहाँ पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे, क्या पता यहाँ कोई चमकता हो रात को, जैसे उसमें रामायण में हम देखते थे पहले ना, संजीवनी बूटी चमकती है ऐसे करके बताते हैं वो लोग। तो एंडिंग पॉइंट की ओर पहुंचने वाले हैं हम, फिर वापस लौटेंगे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एंडिंग पॉइंट पे वैली ऑफ फ्लावर के। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं इस वैली के, कितनी सुंदर घाटियां हैं, पीछे आपको हिम शिखर भी दिख रहा होगा एक, और बगल में बहरी है कल कलाती हुई नदी पुष्पावती। तो टाइम भी हो गया है क्योंकि हमें रिटर्न भी जाना है, तो टोटल अब हमें रिटर्न जाना है 9 किलोमीटर, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर का जो पूरा एरिया है घूमने का वो पूरा 5 किलोमीटर का है, और जो ट्रैक है वो 4 किलोमीटर का है, तो 8 या 9 किलोमीटर के समथिंग पूरा पड़ता है हमें ये उसके एंट्री पॉइंट से। और बहुत शांत इलाका है वैली ऑफ फ्लावर का, एक ही आवाज़ सुनाई देती है सिर्फ पुष्पावती नदी की। और जब घंघरिया से आप अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए, तो एंट्री पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में आपको एक भी दुकान नहीं मिलेगी, जैसे कि हेमकुंड साहिब में आपको जगह जगह दुकानें मिल जाती हैं जिली, पर यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अपने साथ आप खाने का सामान लाएं, यानी लंच लाएं और सुबह खाना खा के आएं, और कम से कम सामान लाएं अपने साथ, सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान आप कैरी करें ताकि आपको भारी ना लगे सामान। तो दलीप भाई, तो चलते हैं घंघरिया की ओर निकलते हैं, और कल सुबह जाएंगे शायद हम बद्रीनाथ। तो अगर आप उत्तराखंड में इस प्रकार के ट्रैक करते हैं जैसे कि हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, तो आप किसी एजेंट के थ्रू ना आए, मैं तो कहूँगा कि आप अपने अनुसार आएँ। आपको इजीली ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं जगह जगह पे, और जगह जगह बताने वाले लोग बैठे होते हैं, इतनी भीड़ चल रही होती है कि सभी लोग आ रहे होते हैं, तो आप इजीली पहुँच जाते हैं। ऐसी कोई गाइड की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती कि आप अपने साथ गाइड कैरी करें। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारी तरह खुद सेल्फ पर डिपेंड होकर आएँ और अपनी ट्रैक कम्प्लीट करें अच्छे से।
सेफ्टी के साथ। और जितना आप खुद ऑब्जर्व करेंगे चीजों को दूसरे के बताए हुए अनुभव को, उतना आप नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि हम जब जहाँ भी जाते हैं खुद अनुभव और खुद ही जानते हैं, खुद ही पूछते हैं, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हम अपने पास ले पाते हैं। तो ऐसे ही जो गाइड लोग आते हैं, हमने देखा था पीछे कि जिन लोगों के साथ गाइड आए थे वो उन्हें वापस ले गए हैं आधे वैली ऑफ फ्लावर से ही, और हम आए इसके एंडिंग पॉइंट तक। वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा आगे भी होगा क्योंकि आगे रास्ता जा रहा है, तो आगे नहीं जाना क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, हमारा रिटर्न का टाइम हो चुका है, तो निकलते हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे ही वैली ऑफ फ्लावर की इन खूबसूरत वादियों में, और आप लोगों से हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।